अगस्त महीने के फिल्म के आया सीगा। उस तो पहला मेरा जो ग्रेड लाइन सीगा 7.5 सीगा, तो उस कंडीशन च मैं इत्थे एडमिट होया सी। फिल्म आ के सिर्फ 3 दिन के मैं जी इंप्रूवमेंट है वो बड़ी जबरदस्त नज़र आई, और 15 दिन तो बाद जो मेरा क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल हो के 1.8 हो गया। आई एम 100% सैटिस्फाइड। ठीक है, नमस्कार, मेरे नाल एक किडनी पेशेंट, पहला पुराने किडनी पेशेंट, आप इन्हों की पुछते हैं उन्होंने की तकलीफ सी, डॉक्टर ने की किया सी, फिर साढ़े को किमें पहुँचे, तो हूँ इन की कंडीशन है सर दसो। सर मैं अगस्त महीने के फिल्म के आया सीगा। उस तो पहला मेरा जो ग्रेड लाइन सीगा 7.5 सीगा, तो उस कंडीशन च मैं इत्थे एडमिट होया सी, और हिम्स दे विच आ के सिर्फ 3 दिन के मैं जी इंप्रूवमेंट है वो बड़ी जबरदस्त नज़र आई, और जो भी इन्होंने मैं ट्रीटमेंट दिता उहदे नाल मेरा जो रिजल्ट सीगे जिहड़ी मेरी रिपोर्टां सीगियां वो बहुत पॉजिटिव साइड गई, और 15 दिन तो बाद जो मेरा क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल हो के 1.8 हो गया, और जिहड़ा साडा सीगा ब्लड यूरिया वो 300 तो घट के 29 हो गया सिर्फ, और उस तो बाद यूरिक एसिड भी बिल्कुल नॉर्मल साइड पर आ गया, जिहड़ा एच बी हुंदा है वो 9 तो बढ़ के 12 हो गया सीगा, तो हुण मैं बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करदा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, और मैं इन्हों की जिहड़ी डाइट है उन्हूं फॉलो करदा, प्लस जिहड़ा इन्हों दा टब सिस्टम है घर दे विच थैरेपी मैं वह भी लैंदा, तो अपने आप को मैं बिल्कुल 100% नहीं 110% मैं इस इंस्टीट्यूशन तो इन्हों ट्रीटमेंट तो 110% सैटिस्फाइड है, और मैं उम्मीद करदा है कि लोगों इन्हों फॉलो करना चाहिए। आचार्या जी बहुत ही एक वधिया प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति है, मेरा अपना अंदाजा है भी जिस वेले मैं इत्थे एडमिट रहा तो 95 के करीब जिहड़े पेशेंट सीगे वो किडनी वाले सीगे, और उन्होंने मैनू शायद कोई एक अद्धा बंदा मिलिया होगा जिन्हें कहा होवे कि मैं कुछ प्रॉपर नहीं हो सकिया, लेकिन घट फर्क पिया। अदरवाइज जिहड़े सीगे मेरे नाल वो सारे ही बंदे 110% सैटिस्फाइड हो के इत्थों गए। लगभग 9 महीने हो गए, 8.5 महीने हो गए। हाँ, 8.5-9 महीने, 8.5 महीने हो गए जो तुम क्रिएटिनिन 8 के लगभग पहुंच गया। हाँ जी, थानू की क्या से मॉडर्न पैथी के डॉक्टर्स ने? मॉडर्न पैथी के लोग तो जी बस सीधी एक गल कहने, वो तो यह पूछते हैं भी थोड़ी जेब के पैसे किन्ने, ये सानू चैक करा लो, चैक करा के फिर तुम इस तरह करो जी भी 40 लाख रुपया मैनेज कर लो, तो मैनेज करके तुम साढ़े को आ जाओ, असी थोड़ी किडनी ट्रांसप्लांट करा, डायलिसिस करा, वो मतलब इन्ना कू डरा दें। मैं थोड़े को आया, थोड़े को आके मेरे नाल एक ही गल हुई डॉक्टर साहब के वालों, बी जी तुम ये दसो तुम क्रिएटिनिन ठीक करना या बॉडी फिट करनी है? देखो आई एम आलसो टैक्निकल परसन, आई एम मैनुफैक्चर ऑफ डीजल ऑयल इंजन इंडस्ट्री है मेरी, तो मैं टैक्निकली सारी गल समझना भी कि गल क्या कर रही है क्या हो रही है, तो मैं इन की गल तो एक चीज़ में लैके चलिया भी ठीक है, टैसट है, टैसट तो हर लैब का टैसट वेरी करता है, कितों मर्जी करा लो, किसी का कोई एसिड है, किसी का कोई एसिड है, कोई कुछ पैरामीटर लैके चलता है, कोई कोई पैरामीटर लैके चलता है। मेरा हूँ क्रिएटिनिन जी 1.8 7.5-2 आ गया। हाँ, 7.5 ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया। हाँ, ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया जी। सब तो पहले तो मतलब सह जो फुलदा सीगा, सह फुलन के करके ना जी मतलब एक वीकनेस बहुत सीगी, हरेक एंगल तो वीकनेस सीगी, तो मैं इत्थे आके सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनू मिली कि विदिन 3 डेज मैं रिकवर होया, विदिन 3 डेज, और जिहड़ी थोड़ी वाटर थैरेपी है मैं उस तो इन्ना क ज़्यादा सैटिस्फाइड है, क्योंकि उहदे च मैं एक चीज़ नोट की है कि डेली आफ्टर थैरेपी 300 to 500-600 ग्राम वेट घटदा। ये मैं मतलब इसका मैं आई विटनेस है, मैं आप थानू अपने वालों दस रहा हाँ। मैं जो हिम चाहिए जी उस टाइम 96 सी जी, तो फोन किन्ना थोड़ा 80 जी, यानी कि 16 किलो थोड़ा वजन भी घटाता। बिल्कुल घटिया जी, बिल्कुल घटिया जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ।
यही हौसला यही इच्छा शक्ति जिंदे च भी हैगी है उनकी तां किडनी रिकवर कर जाती है, लीवर रिकवर कर जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, जिहड़ा मन छड़ जाता है, जिहड़ा कहिंदा हुण कुछ नहीं पिया धरती ते बस कोई इलाज है नहीं इहदा तां, या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही डॉक्टर ने कोई इलाज हैगा, वो लोग धक्के खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अगर तुम सच्ची आयुर्वेद को अपनाओगे तो ही बचोगे। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।